आज है स्विमिंग का डे 3। 2 दिन मैंने ट्रेनिंग करी, ऑलमोस्ट 2 घंटे, मतलब 1 घंटा एक दिन, 1 घंटा एक दिन। और आज मैं प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ, देखते हैं कि मैं कैसा कर सकता हूँ। ये है मेरे बेटे की फोटो मोबाइल के कवर के पीछे। और चलते हैं ऑन डे 3 टू स्विमिंग पूल। वहाँ पे मेरी लिफ्ट लॉबी है और यहाँ से निकलते ही सामने है स्विमिंग पूल, वहाँ पे इसके पीछे। लेट्स गो। ये रहा हमारा स्विमिंग पूल और कुछ सामान खुद से प्रैक्टिस करने के लिए लिया है डिकैथलॉन से। बेसिकली डिकैथलॉन का सबसे सस्ता सामान लिया है मैंने। और यहाँ पे पीछे चेंजिंग रूम है, यहाँ पे शावर एरिया है, क्योंकि ज़्यादा लोग आते नहीं है तो हमारे पास सामान रखने के लिए काफ़ी जगह है। वैसे इतना बड़ा एरिया है ये, लेकिन बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पे स्विमिंग करने के लिए। और मेरा कोच मिस्टर जोसेफ केरल से हैं और आर्मी का बैकग्राउंड है, रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने, तो उनसे सीख रहे हैं। उन्होंने बोला 4 दिन में स्विमिंग आ जाएगी आपको, मतलब वो 4 दिन में सिखा देंगे, उसके बाद तो सारा प्रैक्टिस का खेल है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, उसके बाद देखते हैं कि डर लग रहा है क्योंकि साथ में कोई भी नहीं है, डूब गया तो क्या होगा। जैसे देख के आपको क्या लगता है स्विमिंग पूल की डेप्थ कितनी होगी बताता हूँ आपको। और अंदर से फट रही है लेकिन डर के आगे जीत है। ओके, पानी उतना ज़्यादा ठंडा नहीं है गाइस आज। तो मेरा पेट दिखा होगा जो मैंने कोविड के टाइम पे बनाया है बड़ी मुश्किल से, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा आपको चिकन विंग्स, पिज़्ज़ा, समोसा ये सब खाना पड़ता है, बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है पेट के लिए। तो अभी ये जितना भी आपको सामान दिख रहा है जो मैंने डाल रखा है, अरे मेरे कान भी इसके अंदर चले गए, तो जितना भी ये सामान है गाइस ये सारा डिकैथलॉन से है, इसके अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं है। आप वहाँ पे जाके बोलिए बिगिनर वाला सामान दे दो तो आपको वो ये सब चीज़ें दे देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले तो वार्म अप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी एक्टिविटी से पहले। ये कुछ 2 चीज़ें मैं लेके आया था, मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा पोस्चर जो है वो गलत हो रहा है, तो मैं ये चीज़ें लेके आया था ताकि अपने पोस्चर को भी ठीक कर सकूं, और साथ में ट्रेनर नहीं है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे मेरे अंदर ये सब चीज़ें करने के लिए। तो चलते हैं, थोड़ा वार्म अप करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज एंड स्विमिंग। सो गाइज, पानी में उतरने के बाद सबसे बड़ा जो डर होता है लोगों के अंदर वो 2 ही होता है। नंबर 1, पानी के अंदर लोग पैनिक हो जाते हैं। नंबर 2, ब्रीदिंग प्रॉब्लम लोगों को होता है। तो भगवान की दया से हम लोग स्मोक नहीं करते हैं, तो फेफड़ों में बहुत जगह है हमारे, और फेफड़ों में जगह होने के कारण जब मैं पानी के अंदर जाता हूँ तो उतना पैनिक नहीं होता हूँ, मतलब उतना क्या, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होता हूँ। और मेरे कोच ने मेरे को बताया है कि मैं एक पूरा लैप एक ही सांस में कंप्लीट कर सकता हूँ, इतनी कैपेसिटी है आपके भाई की। एंड बेस्ट चीज़ इस स्विमिंग पूल की यह है कि यहाँ पे कोई भी एरा गहरा लोग नहीं आते, सारे सोसाइटी के लोग आते हैं साफ सुथरे। तो अभी देखिए यहाँ पे सफाई भी हो रही है। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ी सा वार्म अप करेंगे, थोड़ा इधर उधर चल के आएंगे और साथ में यू नो पानी के अंदर जाके थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्विमिंग विदाउट कोच। क्या मैं आज डूबूंगा। ब्रीदिंग प्रैक्टिस के बाद अब हम करेंगे थोड़ा फ्लोटिंग की एक्सरसाइज। फ्लोटिंग में क्या होता है, आप अच्छे से ब्रीथ ले लो, उसके बाद पानी में जाओ, नाक से रिलीज करो अगर करना है तो, और पैरों को छोड़ दो और बॉडी आपकी एकदम स्ट्रेट हो जाएगी। सर आपको अंदर रखना पड़ेगा, सर बाहर निकालोगे तो पैर नीचे चले जाएंगे। सो लेट्स डू इट वंस एंड ट्राई इट। Let's do once more.
इट्स नॉट इजी गाइस। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप एक बारी में 10 चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन एज अ बिगिनर एक साथ अगर आपको बहुत सारी चीज़ें, ब्रीदिंग पे भी कॉन्सेंट्रेट करो, फिर फ्लोटिंग पे भी, फिर पैडलिंग पे भी, बहुत मुश्किल हो जाता है गाइस। सो रिमेनिंग एक्सरसाइजेस पूरी करते हैं और फिर मिलते हैं आपको आफ्टर स्मॉल ब्रेक। Hey guys, आज का सेशन खत्म हुआ, स्विमिंग पूल को करते हैं बाय बाय। यहाँ पे आया था मेरा बेटा मुझे इनकरेज करने, साथ में मेरी वाइफ, जो थोड़े बहुत अच्छे खासे शॉट्स आया वो मेरी वाइफ ने लिया गाइस। तो आज मैंने स्पेशली प्रैक्टिस किया है लॉन्च का, जब एक्चुअली हम निकलते हैं सांस लेने के बाद, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं लॉन्च बोल रहा हूँ उसको। तो हो क्या रहा था, जब मैं लास्ट टू डेज मैंने ट्रेनिंग करा तो मेरी बॉडी कभी लेफ्ट जा रही थी कभी राइट जा रही थी, उसमें लेग्स बेंड हो रही थी, तो इसलिए मैंने लॉन्च का प्रैक्टिस ज़्यादा किया है। अभी मेरे को साइड में से ब्रीदिंग कैसे करते हैं वो नहीं आता है, अगर आपको कुछ टिप्स हैं तो प्लीज़ मुझे देना। और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करूँगा उतना ही ज़्यादा परफेक्ट होगा। ट्रेनिंग तो मेरी 4 दिन की है, लेकिन ऑब्वियसली प्रैक्टिस करके परफेक्ट बनने में शायद 1 महीना 2 महीना 3 महीना लग जाएगा। इफ़ यू हैव एनी टिप्स लेट मी नो। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन लव यू, टेक केयर, बाय बाय एंड लिव हैप्पी।